बन देखी हमें हृदय उबल कड़ी फाटे हदा नहीं फाटे एक बाज बाज गया एक डैम की बाज गई हम ऐसा रोज रोज डैम की नहीं बाज और मैं तो कि मैं भले ही कौन बोल तो बार ऊपर हम से कहता ना खिजड़ो ऊंट बिना मोरी को ऊंट खिजड़ो है तो है मोरी भी कौन है रोको किधर भी तो रुके के कहूं है दो रहा मैं था कौन ऊंट था कौन ना कहता ऊंट रुके हाँ ठीक है ना तो आम लोगों ने ध्यान रखना है अब आ रहा कहता नहीं वो भी है तो वोट मारा ही तोड़ी तो वो अपनी पार्टी रो नहीं बड़ी पार्टी को टिकट मिली कोई जरा निर्दलीय खड़ा हो गया टिकट नहीं मिली निर्दलीय खड़ा हो गया वह कड़ा विकी विकी में विश्वास करे वो मकसद सिर्फ एक ही एमएलए बनना एमएलए को संतोष नहीं होगा एमपी बनना इन अलावा मन तो भी नहीं लागे लेकिन मैं यूं कर दे यूं कर दे आसमान तारा तोड़ दे किकर तोड़ दे एकला तारा किकर तोड़ दे पार्टी आओ तो टूटे ही कौन तारा एक आदमी किधर तारा तोड़ दे मेरे भोज में आई कौन तारा कहेंगे तोड़ी हमारा अखबार फटी हो गई थे कौन फटी हो दो एंड पंप आया ए तारा तोड़ गया यूं बताई तारा तोड़ी गई दो एंड पंप तो तारा तारा ही तोड़ी पर मिनक है मन को उठानी पड़ेगी कि कभी कभी मिनक की सिंगर चढ़ गई है गया हरी जी में खावे नहीं बदले बाद में सिंगर चढ़े पंच रहे दाबी नहीं रहे तो सिंगर चढ़ भी उड़ाए पर फिर हैं लोग ठीक रहे हो तो भले ही सिंगर चढ़ नहीं कही मजबूत रहे हो समझाओ लोगों ने कि अपने कांग्रेस में हो कांग्रेस ने वोट देना है कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीदवार जीता ना है ये वीडियो है राजस्थान की गुड़ामलानी विधानसभा सीट से चहबार विधायक रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमराम चौधरी का और ये वीडियो पिछले दिनों इतना वायरल हुआ था कि आपने देखा ही होगा। दरअसल हेमराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर तीखा हमला किया था। हेमराम चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। कांग्रेस नेता ने एक जनसभा में मारवाड़ी भाषा में रविंद्र भाटी को खिजड़ो ऊंट कहा था। खिजड़ो का मतलब होता है पागल ऊंट जिसे काबू करना संभव नहीं होता। हेमराम के बयान पर भाटी की टीम की ओर से और उनके समर्थकों की ओर से उस वक्त भी जवाब दिया गया था, लेकिन अब भाटी की ओर से भी पलटवार किया गया है। भाटी ने कहा, कोई क्या उपाधि दे रहा है। मीडिया ने पूछा, नामांकन करने किस पर जाओगे। मैंने कहा, 20 ऊंट मंगवाएं, ऊंट हमारे राजस्थान की पहचान है। भाटी ने आगे कहा कि मीडिया वाले भाई ने कहा कि आपको खिजड़ो ऊंट की उपाधि दी है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया दे दी, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा, आदरणीय नेताजी, आप मेरे दादा की उम्र के हैं। आप विस्तार से सुन लीजिए भाटी ने क्या कुछ कहा। दिनों दिन कोई तो माना केड़ी उपाधि दे, कोई केड़ी उपाधि दे, एड़ा बात चलती पड़ी। कई सारा मीडिया वाला भाई आयोड़ा, वो मीडिया वाला भाई पूछियो कि साहब ते नामांकन भरण का कर रहा सो। मैं हुआ ना कहो हूं बीसी ऊंट मंगाई सुमार। अरे भैया, ये रेगिस्तान की पहचान है, अरे धोरा की पहचान है, अरे खिचड़ो ऊंट तो कह रही बगे बनिया मार गातर पगा घड़ा खपया है। अरे भाई ना बात में आना कोली, अरे भाई बैठा है, छत्तीसी कौम रा लोग बैठा है। मिना काले बाचों के मीडिया वाला बंधु और फोन आयो, उन्हें कहो कि साहब थाना खिजड़े ऊंट की उपाधि दीनी है। अरे मैं कहा तो बहुत बढ़िया दीनी, अरे की फर्क पड़े हो। मिना के एड़ा एड़ा स्टेटमेंट हुआ है, एड़ा एड़ा पता चला पड़े। मैं हुआ ना कहो कि आदरणीय नेताजी, मां सभा ने पगा सम्मान नहीं है, और म्याले पिता तुल्य है, म्याले दादा जी की उम्र रहा है, उमर पगा रविंदर और वीरेंद्र मिला घड़ो फर्क कोनी है। हूं तो कदे जीवन में भी ना हूं राजनीति छोड़ दईस,
पर उमा रे माता कदे कोई टिक्का टिप्पणी कौन करा ये चीज हम वचन तो उमा कहो कि साहब उमा माफी मांगी मैं तो कहो उमा ना कि साहब मैं कदे जीवन में ना कदे कह बोले माफी कौन मंगाई मेरे को मना माफी मंगनी हूं चाहू कि मेरे ये बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरारी और साथ ही साथ ये मारवाड़ी जो राजनीति है वो विकास से माते बात करे मुद्दा नहीं राजनीति होनी चाहिए टिक्का टिप्पणी अलग होनी चाहिए और ठीक है ये चुनाव वाले महीना छोटा मोटा तीर चलना भी चाहिए ताकि पत्थर भी होती रहे पर साफ सुथरी राजनीति ताकि केरी भी भावनाएं आहत नहीं हुए हूं आप सभा भाइया बिना भी निवेदन करी कि जब जब चुनाव मिल रहा है वह साजिशारा और षड्यंत्रा का दौर रहा है तू ये साजिश और षड्यंत्रा का दौर रहा बिना आप सभा ना पथ बिना भटका मुंड रही कई सारे कोशिश हूं आप सभा बिना निवेदन करी कि आप हमेशा धैर्य बिना सूझबूझ रे बेड़ो काम लिया कोई भी काम कर लू मेरी पहल आप रहिए भाई रविंद्र बारे में ना जरूर सोचा रविंद्र बारे और ये मैं वास्ते कहा क्योंकि सभा मोटे 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 पॉलिटिकल पार्टी है स्टार प्रचारक है धन बल बाहुबल है पूरे सिस्टम है पर मैं गोटे है चुको आप सभी जो और हूं आप बिना कहना अलग हूं चाहू कि यहां पे सभा ना भेड़ा ले छत्तीसी कौम ना भेड़ी ले हर वर्ग ना भेड़ो ले हर जाति ना भेड़ो ले हर धर्म ना भेड़ो ले यहां पे आगे बढ़ा और आने वाली 4 तारीख रोई विजय पताका फहराऊंगा। अब इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का सोमवार को हुआ प्रचार अभियान ने सभी का ध्यान खींचा। भाटी ने लोकसभा क्षेत्र के बांद्रा गांव में कार से प्रचार नहीं करके हाथी पर सवार होकर प्रचार किया। उनका ये रोड शो हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। फिलहाल हाथी पर प्रत्याशी के इस अनूठे रोड शो के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे। मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे थे द फैक्ट इंडिया। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।